भूटान का बॉर्डर, अभी चलते हैं। वेलकम टू इंडिया, तो लेट्स गो। भाई साहब क्या व्यू है। तो कभी भी आपको पार्टी के लिए, ट्रैकिंग के लिए भी बेस्ट है? हाँ, के लिए और जैसे आप देख लीजिए, फोन कीजिए, हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस है। हाँ ठीक है भैया, चलते फिर। नमस्ते। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग अखोमिया। आप सभी का स्वागत है तवांग सीरीज पे। मैं फिलहाल हूँ दिरंग पे। कल अभी अपने होम स्टे से चेकआउट करने वाला हूँ। सो पैकिंग तो सब हो गया है, बस फ़ोन चार्ज में है, जैकेट पहनना है, गार्ड्स पहनना है, फिर निकल चलेंगे। अगर आप कभी दिरंग आ रहे हो तो गूगल में सर्च करोगे दिरंग दोजंग होम स्टे बोल के, तो काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है, आप यहाँ आके रुक सकते हो। आज का प्लान है टू रीच गुवाहाटी, घर वापस जा रहा हूँ। तो आज मैं जो रूट ले रहा हूँ, मैं आते समय आया था तेजपुर भालुकपुंग होके बोमडिला होके, आज जाते समय मैं जाऊँगा बोमडिला से रूपा से एक डाइवर्जन आएगा राइट साइड का, शेरगांव होके उदालगुरी होके भैरव कुंड होके। देरी नहीं करते, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं और जल्दी से पहुँचते गुवाहाटी। सो फाइनली निकल रहा हूँ रूम से। ये ऐसा रिस्पेक्ट यहाँ पर मेरे को पहनाया गया, तो चलो अब से मिलाते हैं। मैं अभी कहा था आंटी से, आंटी जाएगा। अच्छा। बहुत अच्छा लगा रह के, खाना बहुत अच्छा था। अच्छा था? हाँ बहुत अच्छा था, उस दिन रात को खा के बहुत अच्छा लगा। अठे से अंकल आहू, ये मेरा घर का पास का लड़का है। अच्छा। हाँ, का है। हाँ। भैया जाएगा। हाँ थैंक यू बाबू जी, हम थोड़ा देर में फोन करेगा, फोन आपके पास रखिए। हाँ हमारा टूरिस्ट लोग जा रहे हैं। 1831 8829 8829 28 28। मेरा नाम कोंजो है। हाँ अगर आप कभी दिरंग वैली आ रहे हो तो गूगल में सर्च करना दिरंग दोजोंग होमस्टे, तो गूगल मैप में आपको ऐसा दिख जाएगा और साइन बोर्ड होगा दोजोंग होमस्टे दिरंग, यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है, इसमें से भी कांटेक्ट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा। तो कभी भी आपको पार्टी के लिए, ट्रैकिंग के लिए भी बेस्ट है। हाँ इस चीज़ के लिए और जैसे आप हमको देख लीजिए, फोन कीजिए, हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस है। हाँ हमारा तवांग में भी हम 2 साल करीबन होम स्टे, ये क्या होता है, टूरिस्ट गाइड करते हैं। हाँ तो अभी तो हम यहाँ होम स्टे चला रहे हैं। हाँ हमको पूरा अच्छे से आइडिया है यहाँ पे, आपको पूरा पैकेज हम सही ढंग से ना, हाँ मतलब जैसे आप लोगों को मांगते हैं उसी टाइप से हम बना के भी दे सकते। हाँ चलो ठीक है भैया, चलते फिर। नमस्ते। फ्यूल स्टेशन में भी रुकना पड़ रहा है पेट्रोल के लिए, जिस दिन जल्दी निकलना होता है उस दिन ही ये सब होता है। सो फ्यूल घुसा लिया दिरंग में ही, तो यहाँ से बोमडिला 36 किलोमीटर और गुवाहाटी 371। जाएगा। हाँ बाय। तो काफी हैवी ब्रेकफास्ट ही कर लिया, ब्रंच ही हो गया मेरा, अभी बहुत देर तक नहीं खाने से भी होगा, तो चलो जल्दी कवर करते हैं। सो हम लोग अभी बोमडिला पहुंचने वाले हैं, हम लोग सीधा चल जाएंगे। ये फ्राइड ले तो बोमडिला टाउन की तरफ चल जाओगे, ये हम लोग बाईपास ले रहे हैं अभी। पूरा बोमडिला टाउन, नेशनल हाईवे 13 की तरफ जाना है। ओके सो ये बाईपास से यहाँ से ही निकलता, मैं पता नहीं वो रास्ता क्यों दिखा दिया। टेंगा पहले मिलेगा, उसके बाद तेजपुर मिलेगा, अगर राइट चल जाता है तो ये उदालगुरी वाला रास्ता है, शेरगांव होके जाएगा। यहाँ से रूपा है 2 किलोमीटर, गुवाहाटी है 256 किलोमीटर और शेरगांव है 27 किलोमीटर। सो रूपा में वेलकम हो चुका है, काफ़ी बड़ा है रूपा, मैंने इतना बड़ा होगा सोचा नहीं था। क्या मस्त लोकेशन मिला है रूपा में, एक नंबर व्यू आ रहा है। देखो यहाँ पर पानी कैसे फुल करता है टैंकर सब में, यहाँ से पानी आता है। वाह वो व्यू देखो ना।
वैली, एंजॉय द वैली। ऐसे थोड़ा आगे आते ही सब वेदर भी चेंज हो गया है और यहाँ की सीनरी भी, सब पेड़ देखो ना सबके अलग अलग कलर्स है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, कितना सुंदर लग रहा है। मैं रुक ही नहीं पाया यहाँ पर बिना रुके, इतना मस्त सा लोकेशन है यहाँ पर, 5 मिनट के लिए तो रुकना बनता है, कितना सुंदर लग रहा है। वहाँ से एक नदी बह के आ रहा है, तो चलो बहुत देर रुक लिया यहाँ पर, चलते यहाँ से। सच में अरुणाचल बहुत सुंदर है। शेरगांव से पहले कुछ तो एक लोकेशन पहुँचे है सेंधुक बोल के। भालू, बाय बाय भालू। भाई साहब क्या पानी का लेवल तो इतना कम है। ओह भाई साहब क्या मस्त लोकेशन लग रहा है। जल्दी से यहाँ पर एक फोटो क्लिक कर लेते हैं अपने बाइक का। चलो ये चेक करो, वाव वाव भाई साहब क्या व्यू है, क्या मजा लग रहा है। चलते, हेलो डॉगो, तो अभी हम लोग शेरगांव पहुंच चुके हैं, क्या नजारे है। सोची लेमू अट्रीब्यूट टू आवर एंसेस्टर्स, ऐसे थे। अरे एक के बाद एक व्यू पॉइंट आ रहा है, कितना मस्त है। क्या वैली है, वो दिखाता हूँ मस्त वाला। क्या कि घरों के कलर बहुत सुंदर लगते हैं भाई साहब। इस साइड का रास्ता इतना सुंदर है ना, मैं क्या ही बोलूँ, कोई शब्द बाकी नहीं रहे। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं मेरे को इस साइड। सुंदर सुंदर जगह है नॉर्थ ईस्ट में, इसको पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओरांग यहाँ से 110 किलोमीटर है। अरुणाचल में एक बात नोटिस किया है इस पार्ट में स्पेशली, लोग घर में घर के आगे टब में फ्लावर्स प्लांट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं ऐसे ही लाइट सा। तो निकलते हैं इस सुंदर लोकेशन से, बहुत देर बैठा मैं यहाँ पर। गिरदे ऐसे
ये क्या पूरा आग लगा रहा है, कलर अचानक से कलर पूरा चेंज हो गया है, जैसा भी आ रहा है कलर मस्त लग रहा है। ये रास्ते देख रहे हो, ऐसे करके घूम घूम के नीचे जाना पड़ेगा अभी मेरे को। ऐसे भैरव कुंड ज़्यादा दूर तो नहीं बचा है, और आसाम एंटर होते ही मैं उदालगुरी पहुंच जाऊंगा। वाह क्या नज़ारा है, ज़रा देख के वाव ही निकलता है बस मुंह से, इतना सुंदर सुंदर जगह है। मैप में दिखा रहे हो दूर पीछे वो बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हो, वो भूटान है, आगे और सामने से दिखेगा। वन व्हीकल एट अ टाइम, वाव। और एक लास्ट टाइम स्तूपा, यहाँ से हम लोग अरुणाचल से बाहर निकल जाएंगे और आगे चेक पॉइंट मिलेगा, उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद आप फ्लैग्स देखने को नहीं मिलेगा, तो लास्ट टाइम एक बार देख लो सुंदर फ्लैग। ये गूगल कहाँ पर लिखे आ गया है, गाँव गाँव में लिखे आ गया। बट एक चीज़ थी कि यहाँ से भूटान का बॉर्डर दिख जाएगा हमें, तो मैं रोड से थोड़ा नीचे आ गया और नीचे से नदी बह के जा रहा है, मस्त जगह है। और ये इंडिया भूटान का बॉर्डर भी है, वो इंडिया का फ्लैग देख रहे हो, उसके उस पर थोड़ा आगे भूटान है, वो पहाड़ से बड़े बड़े सब भूटान है। तो असम और अरुणाचल का बॉर्डर पहुंच चुके थे, यहाँ पर गाड़ी नंबर एंट्री करके जाना पड़ेगा, तो एंट्री कर लिया मैंने, गाड़ी नंबर लिखा लिया, अभी चलते हैं। और ये रोड जो मैं ले रहा हूँ वो बहुत ही ख़तरनाक है, जंगल वाला एरिया है, यहाँ पर हाथी भी निकलते हैं भैया बोल रहा था। गूगल के हिसाब से यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है अंकल, तो अभी मैं फ़िलहाल भैरव कुंडों में, ये ब्रिज पार करने के बाद आसाम एंटर हो जाऊँगा थोड़ा आगे, और थोड़ा सा आगे जाने से इंडिया और भूटान का बॉर्डर भी मिल जाएगा। सो ये रहा इंडिया और भूटान का बॉर्डर, सो ये इंडिया का है, थैंक यू फॉर विजिटिंग इंडिया। इंडिया वाला गेट में मैंने एंट्री कर दिया, और ये रहा सामने भूटान का गेट। ऐसे ही घूम के आते, देख के आते कैसा है। ये रहा भैरव कुंड वाला भूटान का बॉर्डर, उस साइड इंडिया का गेट है, इस साइड भूटान का। फ्यूल घुसाऊंगा सोचा था, लेकिन पेट्रोल पंप वाला है ही कॉमेडी, पेट्रोल क्या हो गया, करंट नहीं है क्या है पता नहीं, तो चलो इतना तो पेट्रोल है ऐसे भी पहुंच जाएगा। और ये वाला गेट से और एक कॉमेडी चीज़ है, ठीक है, बोलता बाइक वाला है, बाइक का एंट्री नहीं है, टू व्हीलर का, ओनली फोर व्हीलर एंट्री है, टू व्हीलर वाले लोग पैदल जाना पड़ेगा, ये कैसा बात हुआ। जो भी हो, इंडिया और भूटान का बॉर्डर दिखा दिया मैंने इस साइड में, अभी चलते हैं, वेलकम टू इंडिया, तो लेट्स गो। जा सकते हैं ना अभी, एंट्री तो नहीं करना पड़ेगा, जा सकते हैं ना अभी। 1792, तो ये वाला इंडिया वाला बॉर्डर था, निकलते यहाँ से जल्दी से पहुँचते अपने दोस्त के पास। इन लोकेशन क्या मस्त है, वन एट अ टाइम, यहाँ पर सब ब्रिज ऐसे ही है, वन एट अ टाइम। लेकिन ये भैरव कुंड बहुत अच्छा जगह है, पिकनिक विकनिक के लिए मस्त जगह है ये तो। बस रास्ता थोड़ा सा ख़राब है,
पता नहीं आगे किस होगा, आगे तो मेरे को अच्छा ही दिख रहा है। तो यही था तवांग सीरीज पे, अगर आपको तवांग सीरीज अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चलो बाय।